Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zahir Ahmed, lecturer at Superior Group of Colleges in Himyar Khan. Today we are going to study Oster and Pearl. The Oster and the Pearl is written by Sir William Saroyan. ये एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने अमेरिका की आप कह सकते हैं कि एक लो मिडिल क्लास सोसाइटी को जो है उसकी तस्वीर कशी की है इस प्ले के जरिए, क्योंकि ये वो टाइम था जिस वक्त कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर था। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि राइजिंग एंड शाइनिंग अमेरिका जो है वो जो है दिखलाया जा रहा था, लेकिन उसकी लो मिडिल क्लास सोसाइटी जो है उस पर कोई भी जो है वो नजर नहीं डालता था। तो उसको जो है इन्होंने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी जो है इस प्ले के जरिए पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। ये द ऑस्टर एंड द पर्ल एक सेंटीमेंटल कॉमेडी है। अब सेंटीमेंटल कॉमेडी क्या होती है? सेंटीमेंटल कॉमेडी इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी विच हैज बोथ नॉट ओनली द सेंटीमेंट्स बट आल्सो द कॉमिक एलिमेंट्स। इसमें दोनों सीरियसनेस और दूसरे जज्बात आपके सीरियसनेस संजीदापन और तीसरी चीज जो है इसमें आपके मजाया एलिमेंट भी शामिल होते हैं एक आप कह सकते हैं कि सेंटीमेंटल कॉमेडी में। क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है तो वन एक्ट प्ले जो है बेसिकली प्ले होता क्या है या वन एक्ट प्ले क्या होता है? क्या एक प्ले जो है वन एक्ट से ज्यादा भी हो सकता है? और प्ले जो है एक जो प्ले है उसको किस तरह से आप कह सकते हैं कि राइट किया जाता है, उसको राइट करने का तरीका क्या है, इसकी बस कौन से रूल एंड रेगुलेशन में फॉलो किए जाते हैं, इन सब पूरी डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसके तमाम करेक्टर्स जो है इसमें दिए गए हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले कि वन एक्ट प्ले क्या होता है। इट इज अ शॉर्ट प्ले मेंट टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये होता है एक छोटा सा ड्रामा, एक छोटी सी स्टोरी जो है उसको स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। जैसा कि यहां पर राइट किया हुआ है, इट रिक्वायर्स अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टू एक्ट इट आउट। कि इसको परफॉर्म करने के लिए या इसको परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जो है बहुत थोड़ा टाइम जो है दरकार होता है और इस थोड़े टाइम के अंदर जो है पूरे का पूरा मैसेज जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की जाती है, या ताकि जो ऑडियंस सामने बैठी हुई है उस तक एक मैसेज जो कि राइटर जो है अपने करेक्टर के जरिए उन तक पहुंचाना चाहता है, या किसी सोसाइटी की आप कह सकते हैं कि सोसाइटी जिस क्राइसिस से गुजर रही है या जो प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ठीक है, उसको वो अपने इस ड्रामा के जरिए और करेक्टर्स के जरिए वो तमाम डायलॉग जो उनके मुंह से बुलवाने की कोशिश करता है और सारी की सारी सिचुएशन को कंडीशन को जो है वो स्टेज पर परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है, जिससे एक स्टोरी जो है या आप कह सकते हैं कि एक एरिया कोई एरिया जिसकी बात की जाती है, कोई सिटी है वहां के लोग हैं, ठीक है, या एक पूरे का पूरा कंट्री है जिन क्राइसिस से गुजर रहा है उनकी उसकी या तस्वीर कशी जो है आप स्टेज पर करवाते हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम में करेक्टर्स के जरिए कि किस तरह वो सफरिंग कर रहे हैं या किस तरह से माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये वन एक्ट प्ले है तो वन एक्ट प्ले के लिए टाइम जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट जो है रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद टेम्पो ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन फ्रॉम सर्टेन राइज सॉरी कर्टेन राइज टू कर्टेन फॉल। कैसा है कि जो ऑडियंस, क्योंकि ये प्ले जो है बिल्कुल है, करेक्टर जो सबसे पहले जो कर्टन सामने होता है कर्टन रेज होता है इस तरह से ऊपर वाली साइड पर जाता है, ठीक है, तो जो करेक्टर पीछे खड़े होते हैं उन्होंने अपने स्क्रिप्ट जो उनको असाइन किए जाते हैं एलोकेट किए जाते हैं वो वन बाय वन आकर वहां पर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं स्टेज पर, ठीक है, तो ऑलरेडी ऑडियंस का माइंड जो है बनाया गया होता है कि आज हम आपको कौन सी चीज जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं, सोसाइटी का कौन सा एक ऐसा पहलू है जिसे हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं सस्पेंस की सिचुएशन जो होती है वहां पर जो क्रिएट हुई होती है उसके साथ ऑडियंस को आप बिल्कुल साथ लेके चलते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो मसलसल आपके साथ आपके साथ कह सकते हैं जैसे करेक्टर्स एक करेक्टर के साथ दूसरा करेक्टर जुड़ा होता है, एक जो है परफॉर्म करता है उसके बाद दूसरा आ जाता है दूसरा परफॉर्म करता है, ठीक है, अपना अपना रोल प्ले करते जाते हैं और स्टेज से क्विट होते चले जाते हैं, लेकिन ऑडियंस जो है वो मसलसल आपके साथ जुड़े रहते हैं ताकि आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखे हुए बिल्कुल सामने जो स्टिल बैठे रहते हैं इस चीज का इंतजार करते हैं। उसके बाद द पार्ट ऑफ द प्ले, प्ले के कितने पार्ट्स होते हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले प्लॉट है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टराइजेशन है, थीम है और उसके बाद क्लाइमेक्स, ठीक है। सबसे पहले प्लॉट के बारे में हम बात करेंगे, प्लॉट क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया स्टोरी
सिंपल एवरीडे लाइफ, कहते हैं अ स्टोरी ऑन अ सिंपल एवरीडे लाइफ। अ स्टोरी ऑन अ सिंपल सिंपल एवरीडे लाइफ क्या होती है? इट मीन्स डेली की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर जो मामलात जो हैं दरपेश होते हैं लोगों को, ठीक है, या एक सोसाइटी को जो फेस करती है, तो जो एक राइटर होता है वो कीन ऑब्जर्वर होता है सोसाइटी का, वो सोसाइटी को बड़ी आप कह सकते हैं कि गहरी नजर से देख रहा होता है, ठीक है, और उसी की बुनियाद पर वो क्या करता है, एक प्ले जो है राइट करता है, ठीक है, और उसको उस सोसाइटी की आप कह सकते हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को जो है उस ड्रामा के जरिए जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है, या वो इशू या वो क्राइसिस जिससे सोसाइटी जिसमें सफर कर रही होती है, जिससे गुजर रही होती है, वो जो है ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करता है। उसकी रीजन ये है कि ऑडियंस जो सामने बैठे होते हैं, अगर बिल्कुल स्टेज के ऊपर भी उन्हीं की बात की जा रही हो तो उनमें कैथार्टिक फीलिंग पैदा हो जाती है। कैथार्टिक फीलिंग्स क्या होती है? कैथार्सिस, जो कि पिटी एंड फेयर क्रिएट करती है। अब पिटी एंड फेयर क्या होता है कि जब जो सामने बैठी हुई ऑडियंस है अब बिल्कुल उनके जज्बात और एहसास की तर्जुमानी अगर स्टेज पर करते हैं तो ये चीज जो है उनके अंदर सेंटीमेंट्स भी पैदा कर देती है, उनके जज्बात को उबारती है, और लाजमी तौर पर वो उसके साथ बंधे रहते हैं, जुड़े रखते हैं एंड तक, ताकि उसका एंड जो है वो देख सकें कि क्या इसका एंड अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। उसके बाद दूसरी चीज जो है इसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, अ स्टोरी ऑन सिंपल एवरीडे लाइफ इन वन एक्ट प्ले द प्लॉट इज सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड। सिंगल प्लॉट, सिंगल और इंटरेस्टिंग एपिसोड का क्या मतलब होता है? इट मीन एक ही वक्त में एक स्टोरी जो है उसको कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि आप भी बहुत से ड्रामास देखते हैं और एक एपिसोड जो होती है, एक एपिसोड का अपना एक प्लॉट होता है, ठीक है, और उस एपिसोड के अंदर ही पूरी की पूरी एक स्टोरी जो है वो कंप्लीट की जाती है। वैसे तो पूरा ड्रामा जो है पूरी पूरी स्टोरी होती है, लेकिन एक एक्ट जो परफॉर्म करवाया जाता है स्टेज के ऊपर या एपिसोड की फॉर्म में जो किया जाता है टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है, आप भी देखते हैं उनको, ठीक है, तो देखिएगा हर एपिसोड एक पूरी स्टोरी होती है, ठीक है, और वो एक आने वाली नई स्टोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ठीक है, और पिछले वाले दिनों के क्या मामला थे जिनकी वजह से आज वाले जो एक्ट जो है परफॉर्म किए गए हैं। उसके बाद एक्शन, एक्शन मीन जो कुछ वहां पर उस वक्त हो रहा होता है, ठीक है, इट मीन उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, जो कि वहां पर लेट्स सपोज आपने अगर कोई ड्रामा देखा है, ठीक है, तो उसमें करंट सिचुएशन जिसमें ड्रामा चल रहा है, कैरेक्टर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे लड़ झगड़ रहे हैं या एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं या किस चीज की तलाश में है, कोई ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके उनका जो एक्शन होता है उस वक्त जो उनकी वर्किंग होती है उसको क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, द मेन प्रॉब्लम आर मिस्ट्री इन द प्ले इन विच द प्रोटैगनिस्ट इज इंगेज। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो होता है किसी भी प्ले का, किसी भी ड्रामा का, ठीक है, तो क्या होता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है असल में? अगर आप कोई भी ड्रामा देखते हैं तो हर ड्रामा का एक हीरो जो है बनाया जाता है जिसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है, तो वो इट मीन्स क्या कर रहा होता है, क्या मकसद होता है, इट मीन्स उसका आप कह सकते हैं कि उस ड्रामा के अंदर क्या उसका आप कह सकते हैं सेंट्रल रोल होता है, क्या उसका एक अहम या बुनियादी किरदार होता है, क्या किस मकसद के लिए वो फाइट कर रहा होता है, उसका उस ड्रामे में जो असल मकसद होता है, ठीक है, उसके लिए की जाने वाली फाइट वो सारी जदोजहद जो होती है या तो उसके रास्ते में कोई बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं या उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो जो सिचुएशन होती है, वो जो कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टराइजेशन आ जाता है, इज बेस्ड ऑन the careful sympathetic observation of the people and the life in general. ये बात करता है, कहता है एक सोसाइटी को जब राइटर अपनी आप कह सकते हैं क्योंकि वो कीन ऑब्जर्वर होता है, बिल्कुल गहरी निगाह से जब एक सोसाइटी को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके तमाम मामलात जो होते हैं, ठीक है, उनको अल्फाज की शक्ल देकर कुछ करेक्टर्स के जरिए जो है उनको बुलवाने की कोशिश करता है, उनकी तर्जुमानी पूरी करने की कोशिश करता है, तो वो जो करेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ से रिजेंबलेंस रखते हैं। तो जो करेक्टर चूज किए जाते हैं इसलिए नहीं चूज किए जाते कि लेट्स सपोज सोसाइटी के अंदर कोई शख्स जो है उसका पेशा मजदूर का हो सकता है
हजाम का हो सकता है, कसाब का हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पीएन हो सकता है, कोई गार्ड हो सकता है, अगर वो वाला रोल एक करेक्टर जो है उसको परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनके साथ हमदर्दी रखते हुए उनकी आवाज बनने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो करेक्टर्स होते हैं वो बड़े केयरफुली चूज किए जाते हैं। केयरफुली चूज करने की वजह यह होती है कि बिल्कुल सही अंदाज में उस करेक्टर की, उस किरदार की जो माशरे में रह रहा है उसकी तर्जमानी की जा सके। उसके बाद नंबर 3 है जी, इसका थीम जो है, थीम में एक मैसेज होता है, मैसेज आइडिया, इट मीन जो सेंट्रल आइडिया या मरकजी ख्याल जो होता है किसी भी स्टोरी का, इसमें कोई मैसेज राइटर जो है वो क्या मैसेज देना चाहता है, सोसाइटी तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थीम कहते हैं, सेंट्रल आइडिया कहते हैं। अब ये इसके वो पूरे का पूरा ग्राफ बनाया गया किस तरह से एक ड्रामा या ट्रेजेडी जो है वो स्टार्ट होती है। कोई भी ड्रामा जब जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्ट कैसे होता है, आपने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, ठीक है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या हमारी जो स्टडी है अरिस्टोटल से लेकर बाकी राइटर्स को पढ़ते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई भी ड्रामा जो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, मिडल से होता है, क्योंकि एक ड्रामा के लिए 3 चीजें लाजमी होती हैं और कोई भी ड्रामा मजबूत उस वक्त होता है जब उसका प्लॉट मजबूत होता है। अब प्लॉट क्या होता है, प्लॉट वो होता है जिसमें प्रॉपर मिडल बिगनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। इट मीन्स कोई स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कोई कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहां पर उसका जो आप कह सकते हैं मिडिल जो आ रहा है, इट मीन कहां तक वो पहुंची है, इट मीन जो अभी जिसको मिडिल कहते हैं वो होता है क्लाइमेक्स जो उसका होता है, ठीक है, इट मीन नुक्ता अरूज पर होती है जहां पर आप कह सकते हैं कि हीरो जो है वो डिस्कवरी वाली साइड पर जा रहा होता है, असल मकसद की सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मिडल में क्या होता है और एंड में क्या होता है, एंड में हर चीज का जो सलूशन आपके सामने आ जाता है। आप इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इस तरह से कोई भी स्टोरी जो हमेशा मिडल से स्टार्ट होती है, मिडल से कैसे स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज आप अगर कोई भी ड्रामा देखते हैं, ठीक है, तो ड्रामा आपके सामने जो आता है, ठीक है, वो बिल्कुल दरमियान से शुरू हुआ होता है, ठीक है, करेक्टर उसके अंदर रहते हुए क्योंकि एक खास किस्म की सिचुएशन जो है उसमें वो ड्रामा जो है स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में एक या दो एपिसोड के बाद ऐसे पता चलता है जैसा इससे पहले कुछ हुआ था जिसके नतीजे में आज की स्टोरी जो है चल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है, कोई दो करेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है, अपनी पास्ट मेमोरी को वहां पर बैठे रिकॉल करते हैं और ड्रामा माजी में चला जाता है, माजी का मतलब अपनी बिगनिंग में चला जाता है, लेकिन शुरू कहां से होता है, मिडल से होता है, मिडल से कहां पर जाता है, बिगनिंग वाली साइड पर जाता है, शुरुआती दौर में जाता है, ठीक है, मिडल से स्टार्ट होकर ये इसमें राइजिंग एक्शन और एक्सपोजिशन होती है। राइजिंग एक्शन और एक्सपोजिशन क्या होती है, राइजिंग एक्शन का बच्चे ये मतलब होता है कि आप जो है हीरो जो है वो उनकी कैफियत के बारे में पता चलता है, ड्रामे की कैफियत के बारे में पता चलता है, स्टोरी की नोयत जो है वो खुलकर हमारे सामने आ जाती है, किस नोयत की ये स्टोरी है, इसके अंदर होने क्या वाला है। लेट्स सपोज कोई मिलिट्री का ड्रामा है तो वहां पर हमें ये पता चलेगा कि मिलिट्री जो है वो किस तरह फाइट करती है, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और किस तरह से अपना फ्राइज जो है वो सर अंजाम देते हैं। इसी तरह से कोई CSS की ऑफिसर है, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, लेट्स सपोज कोई ड्रामा उनकी लाइफ पे लिखा गया, ठीक है, या कोई आप कह सकते हैं कि रोमानवी कहानी है, ठीक है, आप लव स्टोरी है तो उसके बारे में पता चलता है कहां शुरू होती है, इससे पहले क्या हुआ था, ठीक है, तो इससे ही जाता है क्लाइमेक्स वाली साइड पे। क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स का मतलब ये होता है जब कोई चीज अपने अरूज पर होती है, नुक्ता अरूज, इट मीन्स ड्रामा आप उस कंडीशन में पहुंच चुका होता है जहां से सामने बैठी हुई ऑडियंस को इस चीज का अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि अब जो है इसके बाद, इट मीन्स जो हीरो जो है, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, वो जिस चीज के लिए जदोजहद कर रहा था, जिसके लिए वो फाइट कर रहा था, उस पर वो पहुंचने वाला है, वो डिस्कवरी होने वाली है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि असल राज क्या था, जो ऑडियंस के सामने खुलकर आ जाएगा, वो मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फॉलिंग ऑफ द एक्शन, फॉलिंग ऑफ द एक्शन क्या होता है, जब आप एंड वाली साइड पे जाते हैं और जहां पर आप कह सकते हैं किसी भी स्टोरी का एंड होता है वो ट्रेजेडी है तो उसकी सैड एंडिंग होती है, अगर कोई कॉमेडी है तो उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एंड पे ये पता चलता है कि उसकी किसी चीज का नतीजा जो है वो क्या निकला। लेट्स सपोज एक स्टोरी शुरू कैसे हुई थी, ठीक है, मिडिल में कैसे पहुंची और उसका एंड क्या है, इट मीन उसका हासिल क्या होगा, उसका असल निचोड़ जो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ऑस्ट्रियन पर्ल जो कि विलियम सरियन ने लिखा है, ठीक है,
उसमें ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। सेंटिमेंटल कॉमेडी किस तरह से है, आपको मैंने पहले बताया था कि इसको दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सेंटिमेंट जज्बात, ठीक है, और उसके बाद कॉमिक्स एलिमेंट मजाया अल्फाज जो है या मजाया करेक्टर जो इसमें शामिल होते हैं, दोनों एलिमेंट्स मिलके एक कॉमेडी को जो है आप कह सकते हैं बनाते हैं, ठीक है, और इसका एंड जो होता है हमेशा हैप्पी होता है, हैप्पी एंडिंग होती है इसकी जो सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है, ठीक है। इसमें करेक्टर्स कौन कौन से, हैरी वैन ड्यूसन, अ बार्बर, क्ले लैराबी, अ बॉय ऑन द सैटरडे, विवियन मैकचेन, अ स्कूल टीचर, क्लार्क लैराबी, द क्लेज फादर, मैन अ राइटर, रोसाना लैराबी, Clay's sister, and the Grayley, the Clay's Paul, Judge Applegrath, the Beachcomber, Wozzeck, a watch repair. ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? ये किरदार हैं इस प्ले के अंदर जिनके बारे में बात की जा रही है। एक आपको बात बताना चाहता हूँ, ये प्ले जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इट मीन इसमें एक रियलिस्ट, एक तबका ऐसा जो रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, ठीक है, और एक तबका ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म में रहता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो ना तो सीरियस होते हैं, ठीक है, हमेशा कॉमिक मूड में होते हैं, ठीक है, और वो आइडियलिस्टिक स्टेज वाली, सॉरी, रियलिस्टिक साइड पे नहीं जाते, आइडियलिस्टिक साइड पर चले जाते हैं। आइडियलिस्टिक क्या होती है, जब आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे होते हैं, आप हकीकत से दूर पर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। हैरी वैन ड्यूसन आप किसी हद तक कह सकते हैं हीरो, ठीक है, हीरो है नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं मे बी वी कॉल हिम अ हीरो ऑफ द प्ले, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द हीरो। ये एक बार्बर है, ठीक है, ये कैलिफोर्निया अमेरिकन स्टेट है जिसका कस्बा ओके बाय द सी जो है, वहां पर ये सारे का सारा प्ले जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है, या उसके बारे में स्टोरी बताता है। ये छोटा सा एक कस्बा जिसकी पूरी आबादी जो है 909 पीपल्स पर कह सकते हैं मुश्किल है, 909 अफराद की आबादी है, ये बिल्कुल लो मिडिल क्लास जो है तबका, लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं इस आबादी के जो है, या ज्यादातर अपना गुजारा इस तरह से करते हैं, इन्होंने मुर्गियां वगैरह पाली हुई हैं, या इन्होंने सब्जियां वगैरह उगाई हुई है, बागीचे वगैरह बनाए हुए हैं, तो उनको बेचकर कुछ डॉलर्स वगैरह कमा लेते हैं, ठीक है, और उनसे इनका सारे का सारा गुजारा होता है। अब जैसे ड्रामा शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले जो चीज दिखलाई गई है, हैरी वैन ड्यूसन जो है, ये इसकी हजाम की जो शॉप है, बार्बर की जो शॉप है, वो दिखलाई गई है, ठीक है, और उस शॉप के बाद लिखा होता है हैरी वैन ड्यूसन बार्बर शॉप, ठीक है, और उसकी विंडो के ऊपर ये सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। इसको देखते हुए राइटर कहता है कि इसकी शॉप को देखते हुए इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये ओल्ड फैशन शॉप है, एक नए तर्ज की शॉप नहीं है, जैसा कि मॉडर्न दौर में हजाम की अक्सर शॉप्स होती हैं या बार्बर की कोई भी शॉप होती है। ये अपनी क्योंकि ये भी लो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसकी जो कन्वर्सेशन चलती है, सबसे पहले इसकी शॉप के बारे में बताते हैं, इसकी शॉप कैसी थी, ठीक है, उसमें जो राइटर बताता है, कहता है अगर इसकी शॉप की बात की जाए तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की शेल्फ्स बनी हुई है, ठीक है, वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ मुख्तलिफ खाने बने हुए, अलमारियां बनी हुई हैं, और उन अलमारियों के अंदर क्या क्या मौजूद है, समंदर से बहकर आई हुई बहुत सी चीजें मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैट जो कि हैरी वैन ड्यूसन पहनता है वो वाली मौजूद है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो कि बार्बर की शॉप पर नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी उसी शॉप के अंदर मौजूद है। और एक मजाही अल्फाज कहता है कि हैरी डी उन्हीं में से एक है, इटमीन हैरी को भी बार्बर की शॉप के अंदर नहीं होना चाहिए, जो कि वो खुद बार्बर है, इटमीन ये भी बार्बर की चीज में कोई हरकत नहीं है। बार्बर जो होता है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जब वो बाल काटते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, व्हाइट जैकेट जो पहनते हैं अपने ऊपर ताकि उसके ऊपर बाल ना गिरे, जबकि हैरी वैन ड्यूसन ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और लोग जो है बार्बर जो होते हैं अपने सर पे कभी कैप नहीं रखते बाल काटते हुए, ये क्या करता है जब भी लोगों के बाल काटता है तो अपने सर पे हैट रख लेता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की हैट्स रखी हैं और बहुत सी बुक्स भी रखी हुई है, ठीक है, जिनको ये गाहे गाहे पढ़ता रहता है, उनका ये मुताला करता है। तो क्ले एक 9 से 10 साल का बच्चा जो है इसके पास आता है, ठीक है, क्लार्क लैराबी जो है ये वाला करेक्टर नंबर 4 जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये क्ले के फादर है, ठीक है, ये 4 अफराद 5 अफराद पर मुश्तमिल सारी की सारी फैमिली है, जिसमें जिसमें क्ले लैराबी, ठीक है, क्लार्क लैराबी फादर है, फे जिसका प्ले के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फे एक ऐसा करेक्टर है जो कि क्लार्क लैराबी की मिसिस थी, ठीक है, तो उनका जिक्र तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताता चलता हूँ कि फे इसकी मिसिस है, क्लार्क लैराबी की, क्ले जो है ये सॉरी क्लार्क लैराबी की मिसिस का नाम फे है, और क्ले लैराबी जो है क्लार्क का बेटा है, रोसाना जो है ये भी किसकी बेटी है, ये भी क्लार्क लैराबी की बेटी है, उसके बाद इसकी दो, ठीक है, और बच्चे हैं,
जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, टोटली अब 5 मेंबर्स हैं इस फैमिली के, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है वेवन मैकचिन, ये न्यूयॉर्क से आई हैं, ये स्कूल टीचर हैं और कैलिफोर्निया के कस्बों के बाय द सी में एज अ विजिटिंग टीचर आई हैं, ठीक है, और स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाना चाहती हैं, ठीक है, इनको नॉलेज से आरास्ता करना चाहती हैं, जबकि वो बच्चे जो हैं उससे पढ़ना नहीं चाहते। उसकी रीज़न ये है कि वो एलीट क्लास से बिलोंग करती है, जैसी उसकी ड्रेसिंग है, जिस तरह से बातचीत करती है, ठीक है, जैसी उसकी एजुकेशन है। तो क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि ओके बाय द सी जो आपका ये आबादी है, जो कैलिफोर्निया का कस्बा जो है, ठीक है, यहाँ के लोग टोटली अनएजुकेटेड है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। अगर इनमें कोई पढ़ा लिखा नजर आता है तो वो कौन है, हैरी बैंड ड्यूसन है, बाकी सारे के सारे क्या है, अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, या तो समंदर पे जाके वेट करते हैं कि समंदर के अंदर से कोई चीज बाहर आएगी, बहकर जिसमें सिपियां हैं, गूंगे वगैरह हैं, ठीक है, उनको उठाते हैं, और विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं सी व्यू पे या सी शोर पे, उनके आगे वो बेचते हैं और जो पैसे वगैरह मिल जाते हैं उनसे वो अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो बगीचे वाली सब्जियां और मुर्गियों के अंडों के अलावा ये तीसरा इनका रोजगार है जिस पे ये सारे का सारा लोग डिपेंड करते हैं। वेवन मैकचिन हैरी के पास आती है, ठीक है, इसके साथ इसकी बड़ी लंबी कन्वर्सेशन है, इंशाल्लाह इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्लार्क लैराबी जो कि क्ले का फादर है, इसके बारे में बताता चलूं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा गरीब शख्स था, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आती है, ये एक मछुआरा था, ये मछलियां पकड़ता था, ठीक है। तो उन दिनों हालात ऐसे आ जाते हैं, क्राइसिस में ऐसा ये सारे का सारा कस्बा चला जाता है कि समंदर में जो स्पेशल किस्म की मछलियां होती हैं जिसमें कैबाजोन है, पर्च है और बैस, ये काइंड्स ऑफ फिशेज है जो कि लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, ठीक है, और इनकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। ये इनकी शॉर्टेज हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मछुआरे जो है, ठीक है, जो फिशरमैन है, उनकी लाइफ जो क्राइसिस में चली जाती है। तो वो क्योंकि सारे का सारा डिपेंड उस चीज पर कर रहे होते हैं, तो अब उनका जो मेन रोजगार है, असल जो उनका कमाई का जरिया है, वो ही खत्म हो जाता है। तो अब क्या है, हालात आप कह सकते हैं कि फाकू पर आ जाते हैं, भूख है वहां पर, जिसकी वजह से बच्चे जो है भूखे रहते हैं, घर में परेशानी है। तो जो क्लार्क लैराबी है वो किचन में जाता है और किचन की वॉल के ऊपर लिख देता है इनफ इज इनफ, ठीक है। इनफ इज इनफ का मतलब ये होता है कि बहुत हो गया, हद हो गई, और रिटर्न ऑन द वॉल, रिटन ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर लिखा वाज़े शिकस्त की अलामत, इट मीन वो सरेंडर कर देता है, ही सरेंडर जस्ट बिफोर हिज फेट, ठीक है, अपनी किस्मत के सामने वो क्या करता है, हार मान जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चों को फेट नहीं करवा सकता, उनकी आप कह सकते हैं अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता, जो कि हर बाप की जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज को देखते हुए वो खुद से आंखें चुराता है, ठीक है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है, और ये सवाल खुद से पूछता है कि अगर मैं अपने बच्चों को जो है वो खाना नहीं दे सकता, ठीक है, अच्छा फीड नहीं करवा सकता, उनकी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे इस जगह पर रहने का कोई हक नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। जब वो घर छोड़ के जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो बाकी मादा फैमिली रह जाती है, जिसमें क्ले लैरा भी है, उसकी मदर फे है, उसकी बहन रोसना है और बाकी दो बहनें जो हैं, ठीक है, तो वो मजीद क्राइसिस में चले जाती हैं। और अब क्ले लैरा भी जो है ये फैसला करता है कि अगर मेरा बाप घर से चला गया है तो अब हमारा घर का सर्कल कैसे चलेगा। तो ये हैरी के पास जाता है उसकी शॉप पे और कहता है कि मुझे हजाम के आप मुझे काम सिखलाना शुरू कर दें, ठीक है, मैं भी हजामत बनाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। और हैरी जो है क्योंकि एक अच्छा आदमी है, हैरी उसको अपने पास हायर कर लेता है, उसको रख लेता है, ठीक है, अपनी हजामत उससे बनवाता है और उसकी खुद कर देता है। ये भी बड़े अच्छे डायलॉग है आपस में, इन दोनों की कन्वर्सेशन है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये द मैन द राइटर, ठीक है, इट मीन जिसने ये राइट किया सारे का सारा प्ले, विलियम सरेऑन, जिसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है, इसका जिक्र है, जो कि उसके बाद रोसाना लैराबी, रोसाना लैराबी के कौन है, ये क्लार्क लैराबी की बेटी है और क्ले लैराबी की बहन है। उस पर ग्रेले क्लास क्लेस पॉल, क्लेस पॉल इट मीन क्ले का ये दोस्त है, ग्रेले जो है, ठीक है। उसके बाद जज एप्पल ग्रैथ, बीच कॉमर खुरेदने वाला, ठीक है, ये क्या करता है जी, ये जो जज एप्पल ग्रैथ है, इसके बारे में जब मिस वेवन मैकचिन जो है ये आती है हैरी वैन ड्यूसन की शॉप पे, उससे बात करती है, उससे उसको कहती है कि मैंने बाल कटवाने हैं, मैं इसलिए आपकी शॉप आई हूँ, आई वाना पुडल हेयर कट, ठीक है, जिसको देखते हुए सुनते हुए हैरी जो है, हैरी गिव अ फ्लैट रिफ्यूज, वो बिल्कुल कोरा जवाब दे देता है। क्यों कोरा जवाब देता है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि जिस एरिया में हैरी रह रहा है वो एरिया बहुत ही गरीब लोगों का है, ठीक है, लो मिडिल क्लास का है। अगर वो फिजिकली आप कह सकते हैं या पेरेंटली लो मिडिल क्लास है, तो मेंटली भी लो मिडिल क्लास है, उनकी सोच भी उस तरह की है।
आप कह सकते हैं प्रगंदा ख्यालों के मालिक हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि पुरानी घिसी पिटी सोच के मालिक हैं, ठीक है। तो वो इनकार कर देता है ये कहकर कि यहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ की इजाजत नहीं देते, अगर मैं आपके बाल काटूंगा तो ये लोग बातें बनाएंगे। यहाँ पर जो औरतें आती हैं बाल बनवाने के लिए, वो छोटे बच्चों को सिर्फ लेके आती हैं, उनके मैं बाल काटता हूँ। इवन के एक चीज कोट करता है, कहता है यू कम इन माई ड्रीम सो आई इन नाइट मेर आई कैन नॉट गिव यू पुडर हेयर कट, मैं तब भी तुम्हें जो है तुम्हारे बाल नहीं, अगर तुम मेरे ख्वाब में आ जाते हो ड्रोने ख्वाब में, ठीक है, तो तब भी मैं तुम्हारे बाल जो है नहीं काटूंगा, तुम्हें पुडर हेयर कट नहीं दूंगा, तुम्हारे बाल जो है घुंघरियाले बाल नहीं बनाऊंगा या कर्ली हेयर नहीं बनाऊंगा। तो उसके बाद जो करेक्टर यहाँ पर आता है, उसके बाद तीसरा है जज एप्पल ग्रास की, सॉरी बात करें तो जज एप्पल ग्रास क्या होता है। जज एप्पल ग्रास जो है जब हैरी और इसकी रोसाना जो मिस मिक्चन है, इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है, दोनों की बातचीत चल रही होती है, तो उसी इस नाम में जिक्र किया जाता है जज एप्पल ग्रास का, ठीक है। ये क्या करता है, ये चीजों जो समंदर से बहकर आई गई चीजें होती हैं, ठीक है, उनका आप कह सकते हैं उनकी वैल्यू बताता है, ये कितनी आप कह सकते हैं वैल्यूएबल है, इसकी कितनी कीमत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो इस पे इंक्वायर करती है जो मिस विवियन मिक्चन है कि ये बताओ क्या ये जज है। हैरी वैन ड्यूसन कहता है एक दफा गांव में कुत्तों की रेस हुई थी जिसमें एप्पल ग्रास ने जज के फ्राइज सारे अंजाम दिए थे, जिसकी वजह से इसको लोग जज कहते हैं, लेकिन मैं इसको जज नहीं कहूंगा, ठीक है। तो इस पे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है विवियन मिक्चन जो है, कहती है कुत्ते या शिकारी कुत्ते, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो सामने उठा कर रखती है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक विटी डायलॉग जो है बोलती है। उसके बाद दूसरा वो जेक आ वॉच रिपेयर, ठीक है, एक घड़ियों की मरम्मत करने वाला, ठीक है, घड़ियों की मरम्मत करता है और भी बहुत से छोटे मोटे काम जो करता है, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह बनाता है। अब देखा जाए तो पूरे प्ले के अंदर सिर्फ दो करेक्टर ऐसे हैं जो के हुनर जानते हैं, जो काम करना जानते हैं, एक हैरी वैन ड्यूसन जो कि बार्बर है और दूसरा मिस्टर जो है वो जेक वॉच रिपेयर जो है, ठीक है। ये दोनों ऐसे करेक्टर हैं जो के थोड़ा बहुत हुनर जानते हैं, अपनी रोजी वगैरह कमाने की अहलियत रखते हैं। बाकी जितने भी करेक्टर हैं यहाँ पर देख लें मोस्टली जो है टाइम पास है, ठीक है, कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है और ज्यादातर इनमें फ्री रहते हैं। अब इसका मैं आपको मेन स्टोरी बताता हूँ, इसमें है क्या और कैसे ये स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। ये 909 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है, ठीक है, जिसमें टोटल लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं 1000 के करीब जो है इनकी पॉपुलेशन है, नियर अबाउट आप कह सकते हैं, ठीक है, सारे लोग ही गरीब हैं, ठीक है। और ये अपना गुजारा कैसे करते हैं, या तो इन्होंने रखी हुई हैं मुर्गियां रखी हुई हैं, वो अंडे देती हैं, उनको वो सेल कर लेते हैं, ठीक है, डॉलर्स वगैरह कमा लेते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें इन्होंने बगीचे वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, क्ले छोटा सा बच्चा हैरी वैन ड्यूसन की शॉप पे आता है, ठीक है, जिसका बाप क्ले लैरा भी जो है वो घर छोड़कर चला जाता है। घर क्यों छोड़कर चला जाता है, गुर्बत की वजह से घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को पेट नहीं चला सकता। तो एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 9 से 10 साल है, वो ये फैसला कर लेता है कि मैं अपने बाप को घर लेके आऊंगा, मेरे घर के हालात जो है, मेरे बाप के बगैर जो है मेरा घर जो है वो बिल्कुल उदास सा लगता है और मेरे घर की उदासी की वजह सबसे बड़ी गुर्बत है। तो बहुत अच्छे डायलॉग बोलता है, वो हैरी के पास जाता है, हैरी से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन उसकी होती है। हैरी के बाल काट रहा होता है तो हैरी को कहता है, हैरी देखो मैंने तुम्हारे बाल काट दिए, क्या सही काटे हैं? तो वो हैरी आगे से जवाब देते हैं, हैरी कहता है आपने सही ही काटे होंगे क्योंकि मुझे याद है पिछली दफा आपने जैसे काटे थे। तो वो कहता है आफ्टर ऑल मैं कोई हजाम तो नहीं हूँ, मैं कोई बार्बर तो नहीं हूँ, ठीक है, और इट मीन कि एक बार्बर जो अच्छे बाल काट सकता है, मैं तो जैसे काट सकता हूँ मैंने वैसे काटे हैं। तो कहता है क्ले लैरा भी कहता है मेरा नहीं ख्याल कि आप पता नहीं इसको अपनी जुबान में क्या कहते हैं, एक बार्बर जो है जैसे मैंने कटिंग की है एक बार्बर की नजर में पता नहीं क्या होगा, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कुछ नहीं बार्बर, इट मीन इसको भी बाल काट नहीं कहते, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। तो वो कहता है उसके मजीद आपस में जो इनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं अभी सैटरडे को जो मैं जाऊँगा कहाँ पर समंदर के किनारे जो है घूंगे वगैरह उठाने के लिए जाऊँगा, कोई चीज़ उठाने के लिए जाऊँगा, क्योंकि समंदर जो है बहुत अच्छी चीज़ें उठाकर बाहर फेंकता है, जिनको लोग क्या है वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और उनमें से उनकी किस्मत जो है आप कह सकते हैं कि चमक उठती है और पैसे अच्छे बना लेते हैं जिससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो हैरी कहता है वाकई ऐसा है, समंदर बहुत ही चीजें बाहर फेंकता है, ठीक है, मेरे ख्याल से इस दफा कोई अच्छी चीज फेंकेगा आपको जाना चाहिए। कहता मैं भी तुम्हारे साथ जाता लेकिन क्योंकि सैटरडे को बिजनेस बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आज थोड़ा सा थोड़े से लोग ज्यादा आएंगे हजामत बनाने के लिए जिसकी वजह से मेरा रोजगार जो है आज के दिन बेहतर हो सकता है, ठीक है, इस वजह से वो डिनाई कर देता है, जाने से इनकार कर देता है।
अब हैरी जो है क्ले जो हैरी से क्वेश्चन करता है, कहता है हैरी हाँ वाकई तुम अंदर अच्छी चीजें फेंकता है लेकिन पैसे तो नहीं फेंकता। तो वो कहता है प्लीज स्टॉप मिस्टर क्ले, लेट मी स्टेट व्हाट यू आर सेइंग, आप बताओ आप क्या कह रहे हो, इट मीन्स आप बात की वजाहत करो, इट मीन्स आपने अभी क्या कहा है, आपको पैसे चाहिए, पैसे क्यों चाहिए आपको। कहता है पैसे इसलिए चाहिए मैंने अपने बाप को घर लेके आना है क्योंकि वो हमारे पैसों की कमी की वजह से घर छोड़कर चला गया है, ठीक है। तो कहता है कहाँ चला गया है, कुछ उसने बताया था अपने बारे में, कुछ जिक्र किया था। कहता है सिर्फ उसने यही कहा था, दीवार के ऊपर लिखा था इनफ इज इनफ और अब वो चला गया, ठीक है। ये बात करते हुए हैरी जो है वो वहां से चला जाता है जो क्ले है, और उसकी शॉप में उसी वक्त एक लड़की जो है मिस विवियन मिचेल जो है वो दाखिल होती है जिसका मैंने पहले आपको बताया, और आते ही उसकी जो ड्रेसिंग है एक उसने अम्ब्रेला जो पकड़ी होती है एक छतरी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उसको बंद करती है और शॉप में दाखिल हो जाती है, ठीक है। उसने शॉर्ट्स पहनी होती है जिसको आप देख के कह सकते हैं बहुत ज्यादा मॉडर्न नजर आती है, और आते ही कहती है कि मैं यहाँ पर नई आने वाली मिस हूँ, ठीक है, टीचर हूँ। तो कहता है कि अच्छा आप नई टीचर है, वो कहती है मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कहता है हाँ बिल्कुल दिखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे आप मिस अमेरिका हो, मिस अमेरिका इट मीन आप तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, ठीक है। कहता नहीं, वो कहती है नहीं मैं एक टीचर हूँ। टीचर का मतलब क्या है, इट मीन मैं यहाँ पर लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। तो कहता है अच्छा आप टीचर हैं। तो ये आपस में दोनों की कन्वर्सेशन चलती रहती है, इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है आपस में जो बातचीत है इससे सिर्फ एक चीज अहज होती है, जो मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो मिस विवियन मिचेल है वो अपने लिए एक सुटेबल मैच एक मिन एक हस्बैंड की तलाश में होती है, ये हकीकत है, ठीक है। और जो हैरी वैन ड्यूसन है, ठीक है, वो उसका करेक्टर जो दिखलाया गया वो चीज को बात को घुमा फिरा कर वो भी बात वही करता है जो कि विवियन मिचेल बिल्कुल स्ट्रेट वर्ड कर देती है, ठीक है, और रियलिस्टिक अंदाज में करती है, ठीक है। और हैरी वैन ड्यूसन इसलिए बात सीधे अंदाज से नहीं करता ताकि किसी की जी आजारी ना हो, बिल्कुल वैसे ही जब समंदर के किनारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक दिन वहां पर ये विवियन मिचेल भी सैटरडे को उनके पीछे आ जाती है, ठीक है, और वो वहां पर पहुंच जाती है सारे के साथ जो है मिस्टर क्ले जो है इसको एक ऑस्कर मिलता है और ये बिलीव करता है शायद इसके अंदर एक पर्ल है, सेफ जो उसको मिलता है, ठीक है, गुंगा जो है उसके अंदर एक मोती है शायद, और मोती जो है $200-$300 का लाजमी होगा, ठीक है, उसका ये यकीन था। और ग्रेली जो इसका दोस्त है, रोसाना जो इसकी बहन है, सब ये बिलीव करते हैं वाकई इसके अंदर मोती है, ठीक है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं मोस्टली उनका कॉन्सेप्ट यही होता है। जबकि हैरी कहता है कि इतना अच्छा हो गया यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जबकि हकीकत भी यही थी वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं मिलती थी। तो जो मिस विवियन मिचेल है वो कहती है हैरी को, कहती है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं कह देते कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बच्चा ऐसे धोखे में रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है, तो आप स्ट्रेट बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, ठीक है। तो कहता है नहीं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकता, मैं बात जो है बिल्कुल छुपे अंदाज से करूंगा, उसकी रीजन ये है कि ये बच्चा जो बच्चे के सामने में ऐसी बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कहती है कि हैरी तुम भी बच्चे हो, तुम्हारा अंदाज भी बच्चों जैसा है, ठीक है, तुम्हारी भी वैसी सोच है जैसे बच्चों की, इसमें तुम्हारी सोच मैच्योर नहीं है। तो वो कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि एक थर्ड पर्सन जिसका नाम क्या है, इसका दोस्त मुजिक जो है जो घड़ियों को रिपेयर करता है, हम उसको यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पता है इस चीज के अंदर कोई चीज है या नहीं है, वो चीजों को जज कर सकता है, ठीक है। तो मुजिक जो है उसको भी वहां पर बुला लिया जाता है, ठीक है। तो पहले इनका आपस में जो बातचीत होती है उसे यही पता चलता है कि जो मिस्टर मुजिक है इसके पास मोस्टली चीजें जो होती हैं आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल होती हैं, जैली होती हैं, ठीक है। तो असल में हैरी प्लानिंग ये कर रहा होता है कि हम क्या करेंगे, उस ऑस्टर के अंदर जो है एक जाली किस्म का मोती रख देंगे जिससे हैरी को उसको क्ले को ये पता चलेगा कि इसके अंदर मोती है, ठीक है, और वो बच्चा खुश हो जाएगा, इसको कुछ पैसे मिल जाएंगे और ये अपने घर ले जाएगा, अपनी माँ को दे देगा, जिससे इनका फैमिली का सर्कल चल पड़ेगा, और ये ख्वाब कर रखता है, इसकी सोच ये है कि इन पैसों से अपने बाप को भी घर ले आएगा। जबकि विवियन मिचेल कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर इससे ये भी सवाल करती है क्या $300 जो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या आप ये सोच सकते हो कि आप उसको दे लोगे। तो कहते हैं हाँ मेरे पास इस चीज का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, मेरे पास इस चीज का इंतजाम है। वो कैसे इंतजाम किया होता है उसने इस चीज का, तो जो राइटर जिसका द मैन का जिक्र इसके अंदर कैरेक्टर्स के अंदर है, ठीक है, वो सारे की सारी जो आप कह सकते हैं सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, हर चीज को देखता है, ठीक है, और उसको भी इस छोटे बच्चे की कहानी के बारे में पता चलता है जो कि इसको बताता है मिस्टर हैरी वैन ड्यूसन जो। तो वो क्या कहता है, वो इस बच्चे को पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं इस बच्चे की मदद करूंगा, ठीक है, और इससे यह आस्तर खरीद लूंगा, जबकि उसे भी पता होता है इसके अंदर कोई चीज नहीं, ठीक है। और कुछ पैसे इसका बाप जो है
क्लार्क लेरा भी, ठीक है, जो कि साफ वाले कस्बे में काम करने के लिए चला जाता है, ठीक है, मेरे मजदूरी करता है और ट्रक पर बैठकर गाहे बगाहे जो है अपने गांव में अपने कस्बे में हैरी की शॉप पर आता है और घर वालों का अहवाल पूछकर चला जाता है और अपने बेटे को देखना चाहता है लेकिन उससे उसकी मुलाकात तो नहीं होती। इस तरह से जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उनके जरिए क्या करता है, वो क्ले की मदद करना चाहता है ताकि क्ले के पास ये पैसे आ जाएं और घर ले जाए, पूरी की पूरी फैमिली जो है हंसी मिजाज से रह सके, अच्छे अंदाज से रह सके। एट द एंड होता क्या है, वो वहां पर जज एप्पल ग्रैफ को भी कॉल कर लिया जाता है कि आप बताओ आप क्या कहते हो, क्या इस चीज के अंदर ऑस्टर है, ऑस्टर के अंदर पर्ल मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी यही कहता है कि हाँ जी इसके अंदर पर्ल हो सकता है क्योंकि ये सारे का सारा प्री प्लान था, सारी की सारी इनमें स्टोरी पहले से बनाई हुई थी, ठीक है। तो इसको देखते हुए वो क्या करते हैं, तमाम लोग मिलकर इसकी मदद कर देते हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो पर्ल जो है ऑस्टर जो है वो जो राइटर है वो खरीद कर चला जाता है और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देता है, ठीक है, और इसके हालात जो घर के अच्छे हो जाते हैं, इस तरह से पूरी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इट मीन पूरे का पूरी आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी, जिसमें इनके जज्बात एहसास भी खुलकर सामने आते हैं, फैमिली क्राइसिस का पता चलता है, ठीक है, और साथ में जो है कॉमिक एलिमेंट जो है हैरी वैन ड्यूसन जो पास करता है, विटी डायलॉग जो है उनका भी जिक्र यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, और बहुत से ऐसे डायलॉग जो इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें हैरी वैन ड्यूसन की जो है एक बात है जो फिलोसफी जो है अपनी वो जाहिर करने की कोशिश करता है, उसकी फिलोसफी क्या है, ठीक है। वो असल में शुरू में जब प्ले होता है ना शुरू, तो उस वक्त ये बताता है उसको क्ले को, क्या क्ले को बताने की ये कोशिश करता है, क्ले को कहता है क्ले बेटा क्योंकि ये वक्त वो है जब अमेरिका में जिन लोगों की कदर है जो पैसा बना सकते हैं वो 3 से 4 काम करते हैं, कौन कौन से, कहता है यू वांट टू क्रिएट अ सिम्फनी, ठीक है, कंपोज अ सिम्फनी, सिम्फनी इज द काइंड ऑफ म्यूजिक, कोई म्यूजिक जो है उसको तरतीब दो, कोई मौसीकी जो है उसकी धुनें बनाओ, या फिर आप इस तरह से करो कोई बुक राइट करो, या फिर आप कोई जो फिलोसफी है उसको इन्वेंट करो, ठीक है, इनमें कोई फलसफा जो है इसको ईजाद करो, क्योंकि उस वक्त की जो बात है उस वक्त राइजिंग एंड शाइनिंग अमेरिका उसको कंसिडर किया जाता था, ये एक नई उभरती हुई ताकत थी, इनमें जो आप कह सकते हैं कि अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे, जो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे थे, उनमें जो वैल्यूज थी जो इकदार थी उनकी कमी जो है सामने आ रही थी, ठीक है, लोग कैपिटलिस्ट होते चले जा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते चले जा रहे थे, ठीक है, मादा प्रस्ती वाली साइड पर लोगों का रुझान ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो राइटर ने क्या किया, इस साइड पे सोसाइटी पे इस सेक्शन की तरफ जो है ऑडियंस की तवज्जो जो है या सिटी गवर्नमेंट की तवज्जो जो है मरकूज करने की कोशिश की है। अब इसमें होता यह है कि वो भी क्वेश्चन करता है अगर क्ले जो है हैरी से, कहता है क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया था, क्या आपने जो मुझे आप सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि मैं इनमें से कोई काम करूं, कहता है यस आई हैव इन्वेंटेड अ फिलोसफी, मैंने एक फलसफा जो ईजाद किया था, कहता है आपने फलसफा ईजाद किया था वो कौन सा था, कहता है वो यहाँ टेक इट इजी, इट मीन चीजों को हल्के फुल्के लो, इट मीन चीजों को एज अ बर्डन ना लो, लाइफ को बिल्कुल आसान लो, जियो और जीते रहो, इट मीन लाइफ को कभी भी आप उसको टफ ना लें तो आपके मामलात जो है वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये प्ले आगे बढ़ता चला जाता है, करेक्टर आते हैं परफॉर्म करते चले जाते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कॉमिक एलिमेंट्स है, विटी डायलॉग्स जो इसमें जो है आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हैं, जब भी हैरी जो है हैरी वैन ड्यूसन कोई भी रिमार्क्स पास करता है तो बहुत ज्यादा विटी होता है, और जब आप बात करते हैं इसकी ये जो दूसरे वाले मिस लेक्चन है इसके डायलॉग कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हैरी के लिए विटी कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन रियल में वो रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, हकीकत पे मबनी होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, कहती है इनका कोई एम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ यही काम करते हैं, समंदर पर चले जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है, नहाते हैं, धोते हैं, खेलते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है, वो मार्क्स लेना चाहते हैं, वो स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, वो कहती है कि इनकी को पढ़ना चाहिए, इनको इस चीज से गर्व होनी चाहिए कि इनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को लेकर इनका कोई कंसर्न नहीं है, इनके माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मिस मिक्चन का जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी थिंकिंग है तो उसकी आप कह सकते हैं कि माइंड से या उसकी बातों से ये रिफ्लेक्ट होती है, ये सामने आती है। और जो दूसरी चीज हैरी वैन ड्यूसन की जो डायलॉग है उसकी जो बातचीत है या जिस तरह से वो प्ले को लेके आगे बढ़ता है कैरेक्टर से वो डायलॉग जो है उसकी कन्वर्सेशन जो होती है उसे ये पता चलता है ये एक रियलिस्टिक नहीं है, इसके पास एक हुनर है, ठीक है, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से ये भी बिलोंग करता था, ठीक है, इसलिए जिस इलाके में इसने आके स्टे किया वो भी लो मिडिल क्लास लोगों से था, ठीक है, जिसकी वजह से आज ये वहां पर एग्जिस्ट करता और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहा है। लेकिन हकीकत असल में जो हकीकत थी वो ये थी कि हैरी वैन ड्यूसन जो है वो चीजों को बिल्कुल डायरेक्ट वे से बयान नहीं करता था, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से बयान करता था ताकि लोगों की जी आजारी ना हो,
ठीक है, बात वो भी वही करता था जो मिस विवियन मिचेल करती थी, ठीक है। लेकिन विवियन मिचेल कहती कि लोगों को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए, हकीकत जो है उनके सामने डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जबकि हैरी कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप हकीकत को डिस्क्लोज कर देंगे, जो बिल्कुल जो रियलिटी है, ठीक है, सामने रख देंगे, तो लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि उनकी जो उम्मीदें होती हैं, जो सोच होती है, उससे बेचारे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, वो आप कह सकते हैं मायूस हो सकते हैं, ठीक है। बेटा यही सारा प्ले था, यही इसमें कन्वर्सेशन है, इसके अलावा कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।